खराब फॉर्म से जूझ रही दिल्ली कैपिटल्स को इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले में गुरुवार को हर हालत में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराना होगा। दिल्ली अभी तक लगातार 5 हार झेल चुकी है और अब अगर वह हारती है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। दिल्ली को अगर प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो उसे क्या करना होगा, आपको इस वीडियो में पूरा समीकरण बताते हैं। अपने रेगुलर कप्तान ऋषभ पंत के बिना खेल रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम की अगुवाई डेविड वार्नर कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगुवाई में टीम कोई कमाल नहीं कर पाई और अब तक लगातार 5 हार झेल चुकी है। दिल्ली को अब कोई चमत्कार ही प्लेऑफ में पहुंचा सकता है। अगर दिल्ली को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उसे अपने बाकी बचे 9 मैच में से 8 में जीत दर्ज करनी होगी। टीम की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह नामुमकिन ही लगता है। दिल्ली का टॉप ऑर्डर अभी तक फेल रहा है, ऐसे में केकेआर के खिलाफ मैच में शीर्ष क्रम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में आजमाए गए सरफराज खान को पावर प्ले के ओवरों के लिए विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा जा सकता है, जबकि दूसरा विकल्प अनुभवी मनीष पांडे को ऊपर भेजने का हो सकता है। दिल्ली के लिए सबसे बुरी खबर पृथ्वी शॉ की खराब फॉर्म रही है। पूर्व अंडर 19 विश्व कप विजेता कप्तान अपने चिरपरिचित अंदाज में नहीं दिखे हैं। वहीं कप्तान डेविड वार्नर की खराब फॉर्म की आलोचना भले ही हो रही है, लेकिन दूसरे छोर से विकेटों के पतन के बीच उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने 5 मैचों में 116 की स्ट्राइक रेट से 228 रन बनाए हैं। ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने चमत्कार करने का चैलेंज है। देखना होगा कि आगे के मुकाबलों में क्या होता है। IPL 2023 से जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए आप आज तक AI के साथ बने रहिए।